दरवाजा कैसे पकड़ी है, उल्टा उल्टा। ओ भाई साहब स्कूटी धुआं देखो एकदम, वहाँ की आँख। भाई आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटीज देख रहे हैं, आपके सिटी में क्या टेम्परेचर है, क्या क्लाइमेट है भाई कमेंट में बताइए। गंदा हो गया ये देखो, कल चेन लुक किया था ना, पूरा टायर गंदा हो गया, अब इसको साफ करेंगे भाई, ऐसा तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो भाई जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं अपना रिम, और देखो भाई साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जल्दी से चलते हैं, पहले शॉप चलेंगे अपना चेन टाइट कराने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई रफ़ चली है गाड़ी। काफ़ी इंतज़ार के बाद भाई इतनी तेज़ धूप पड़ रही ना, देखो चेन टाइट हमारा स्टार्ट हो गया है। सीधी करें भैया, ये खुलवाते नहीं क्या, टाइट हो गई है क्या? तो भाई चेन पॉकेट दिक्कत, जैसे पिकअप में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ गए थे तो मुझे लग ही रहा था कि चेन लूज हो गया है, और चेन बाइक वाकई में बहुत ज़्यादा लूज था। मतलब मान के चलो हर 15 दिन पे चेन ढीली इसकी हो जाती है, हर 15 दिन पे। क्या गर्मी है भाई साहब, हाथ जला। 50 डिग्री चल रहा था कानपुर में, और इस टाइम मुझे लग रहा है 45 डिग्री से कम नहीं होगा, 45-46 से कम नहीं होगा। आज तो जूते पहन लिया हूँ, लेकिन हर बार मैं चप्पल ही पहन कर जाता था काम पे, और पैर की पावलियाँ भाई इतनी भयानक जलती थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोस्टिंग कर रहा है पैरों की। तो इस रूट पे भाई देखो बहुत दिनों से सोच रहा था कि ब्लॉग चालू करते हैं सिटी में, देखो सिटी ब्लॉगिंग करते हैं, और आज निकल ही गए हैं, और हर जगह मेट्रो का काम हो रहा है। भाई साहब क्या ही गर्मी है। हे ऊपर वाले ग्लूकोज दे। देखो खाली जो कैमरा और हेलमेट लगाया है उसी के लिए रूल है, पुलिस उसी पकड़ती है, और जो उल्टा सीधा जा रहा है ना उनके लिए पुलिस नहीं है, और पुलिस कहीं दिखाई भी नहीं देगी इधर। भाई मैं 3-4 बार पकड़ा गया हूँ, और पता नहीं किस एंगल से आजकल जो अच्छा हेलमेट पहने हैं, बैग लटकाए हैं, किसी काम से जा रहे हैं, अच्छी गाड़ी है तो वो चेन स्नैचर ही बना हुआ है। पुलिस वालों की नज़र में हर बाइक राइडर चेन स्नैचर है और क्रिमिनल है, ऐसी ट्रीटमेंट दी जा रही है। हाय हाय क्या गर्मी, हाय गर्मी। आज मैं देखो अकेला नहीं हूँ, मेरा भाई पीछे बैठा हुआ है, और भाई बनारस से आया हुआ है कुछ दिनों के लिए काम से किसी, तो साथ में आना जाना लगा हुआ है डेली का। चेन टाइट कराते ही भाई पिकअप, मतलब चेन लूज है और चेन ल्यूब नहीं है, तो गाड़ी इतनी रफ चलेगी, इतनी रफ चलेगी कि पूछो मत। और देखो चेन टाइट कराते ही, और कल मैंने चेन लूप अपने हाथ से ही कर लिया था, खुद ही कर लिया था, देखो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई है, इतनी रफ चल रही थी बिल्कुल जस्ट उल्टा हो गया, स्मूथ हो गई बिल्कुल पहले की तरह। तो भाई देखो छोटी छोटी चीज़ें आपके व्हीकल पे, कोई भी गाड़ी होगी, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, कार हो, ट्रक हो, भाई इंजन है, मशीन है, उसको अच्छे से ल्यूब, हर मूविंग पार्ट अच्छे से ल्यूब रहेंगे ना, तो बेस्ट से बेस्ट, बेटर से बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। इतनी गर्मी में देखो आदमी पैदल चल ही नहीं रहा है, फालतू आदमी घूम ही नहीं रहा है इतनी गर्मी में। भाई आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटीज़ देख रहे हैं, आपके सिटी में क्या टेम्परेचर है, क्या क्लाइमेट है, कैसा सीज़न है, माहौल है, भाई कमेंट में बताइए। हमारे यहाँ तो देखो यही चल रहा है, जितना हाथ खुला हुआ है उतना काला हो जाता है, जितना ढका हुआ है वो तो गोरा ही रहता है अंदर ही। भाई यहाँ पास में ही पार्ले जी की फैक्ट्री है, और मान के चलो ना 3-4 किलोमीटर दूर से ही महक आती है। प्रेजेंट टाइम में इस टाइम पार्ले की फैक्ट्री लगभग 1 किलोमीटर दूर होगी, और हेलमेट के अंदर खुशबू आ रही है। शीशे में अगर मेरा भाई दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं, भाई हेलमेट, चश्मा, मास्क और जूता। एक बार चेहरा तो चलो ठीक है, आदमी कैप पहन लेता है तो छाँव, मतलब थोड़ा चेहरे पे। Oh my God,
भाई साहब ये अबे दरवाजा कैसे पकड़ी है, उल्टा उल्टा। ओ भाई साहब स्कूटी धुआं देखो एकदम, माँ की आंख। पार्टी चल रही है पाची भाई, वो सामने पकड़ने की जगह पीछे पकड़ा है। अब भाई बैठने का तरीका ही कैजुअल है हमारे इंडियन कल्चर में, लेग्स क्रॉस करके नहीं बैठते हैं। बहुत लेडीज़ें हैं, लगभग 90% लेडीज़ लेग क्रॉस करके बाइक पे नहीं बैठती है, एक साइड पे बैठती है भाई। और वो गेट आंटी जी उल्टा पकड़ी थी पीछे पीठ की तरफ। हमारा रनवे आ गया भाई, ये संडे का रनवे है मेरा। ये जो रूट है ये वाली रूट और इसके आगे वाले रूट, ये मेरा रनवे है संडे का। संडे को पूरा सन्नाटा रहता है और संडे को भाई आने जाने में बड़ा मज़ा आता है। मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगते हैं घर और साइकिल जाने में, काम पे जाने में। देखो देखो बेटी चोद भाई, वाइब्रेशन खत्म ही हो गई बिल्कुल। झोंका लग रहा है, ट्रिपलिंग। कहाँ गई पुलिस, कहाँ गया रूल? ये सब सिर्फ हमारे लिए है, जिनके पास अच्छी बाइक है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करा रखी है, अच्छा हेलमेट है, जूता उता पहन के बढ़िया सा बिल्कुल फिट फाट होके भाई अपनी सेफ्टी के लिए अच्छे से होके बाइक पे चलते हैं तो हम ही को पकड़ा जाता है। ये ट्रिपलिंग करने पे विदाउट हेलमेट और इन लोग को नहीं पकड़ा जाता है। अब तो डबल हेलमेट का भी चलान होने लगा है, समझ रहे हो? गरीब समझ के भाई चलान नहीं काटते हैं भाई, सबको इक्वल ट्रीट करो ना, रूल सबके लिए बराबर है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और कुछ भाई पर्सनल इश्यूज़ और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आगे मैं वीडियो नहीं शूट कर सकता, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है चेन लूप कराने के बाद, चेन टाइट कराने के बाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।